दोस्तों दोस्तों आज जो मार्केट में रौनक आई है ना यार, नजर ना लग जाए इसको। बड़े दिनों बाद ना आज थोड़ा खुश होने को दिल कर रहा था। ऑल्दो मैं तो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर ही रहा हूँ मार्केट में, मैं चाहता था कि मार्केट में एक बार गिरावट आए और हम एंट्री लें। एंट्री तो हमारी पहले भी थी, बट यार एक्यूमुलेट करनी थी, कुछ चीजें एक्यूमुलेट करने वाली थी, वो हम कर रहे हैं। बट जो नए इन्वेस्टर्स है ना, जो ये लॉकडाउन के बाद नए नए उठे थे, वो डर गए एकदम यार। क्योंकि उस टाइम पे फेस चल रहा था, आपको पता है, ये क्रिप्टो करेंसी भी भाग रही थी, उसके साथ साथ शेयर भी भाग रहे थे। तो भाई साहब, सबने बड़े लोगों ने यही सोचा था कि यार हम सारा काम छोड़ के आज के बाद क्रिप्टो करेंसी में काम करेंगे या फिर हम शेयर ट्रेडिंग में काम करेंगे। ऐसे काम ही कोई नहीं है, कोई सा भी शेयर ले लो, वो भागता जा रहा था भागता जा रहा था। बट आज वो सीन हो गया कि आप अच्छी अच्छी कंपनियां में लेते हो, वो भी गिर जाती हैं। और आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर जा रहा हूं, उसका भी यही सीन है। अच्छी कंपनी है, कंपनी का नाम है पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, PEL के नाम से आप जानते होंगे। रिलायंस, भाई साहब मुकेश अंबानी जी के जवाई हैं, मतलब इनकी अंबानी जी की बेटी इनके घर में ब्याही हुई है। तो आइए चर्चा करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, फॉर्मली पिरामल हेल्थ केयर लिमिटेड, इज अ डाइवर्सिफाइड कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, जो कि इंडिया में है, एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पिरामल ग्रुप। पिरामल ग्रुप की ये कंपनी है। द कंपनी हैज अ प्रेजेंस इन फार्मास्यूटिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेक्टर्स। अजय जी पिरामल इज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। तो पिरामल की आपने मेडिसिन भी खाई होगी, कभी ध्यान नहीं देते ना आप लोग यार कि कौन से ब्रांड की दवाई खा रहा हूं मैं, या कुछ भी जो भी है, नहीं आप ध्यान देते हैं चीजों का। तो ध्यान दिया कीजिए, देखा कीजिए कि आप कौन सी चीज कंज्यूम कर रहे हैं। ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका स्टॉक मार्केट में रैंक 103 है। अभी पिरामल ग्रुप के जो PEL के जो ब्रांड्स हैं, उनमें से एक का नाम है लैक्टोकैलामाइन, जरूर सुना होगा। स्किन का इनका वो मॉइस्चराइजर एंड वो आता है, क्रीम आती है इनकी। आई पिल, आई पिल क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। और तीसरी सेरेडॉन, सरदर्द होता है तो कहते हैं ना सेरेडॉन खा लो, डिस्प्रिन खा लो, तो जो सेरेडॉन है वो PEL ग्रुप की कंपनी है। अभी प्राइस चार्ट की बात करें, पिछले एक महीने में कंपनी ने 14.5% की गिरावट आ चुकी है। बात करें पिछले एक साल की, तो एक साल में कंपनी में जो गिरावट आई है, वो गिरावट नहीं है बट बढ़त भी नहीं आई, तकरीबन 3% की बढ़त है पिछले एक साल में। 3% क्या होता है मुझे बताइए आप। चलो शुक्र है ये 1 पर 3% की बढ़त तो दे रहा है। ऐसी कंपनी है जो भाई साहब गिरावट में आ गई है, कितने कितने शेयर गिर गए हैं। अभी 5 साल की बात करें, 5 साल में कंपनी ने तकरीबन 27.5% की गिरावट आई है, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती। और अगर बात करें मैक्सिमम चार्ट के, सन 2000 से लेके 2022 यानी 22 सालों में कंपनी ने आपके पैसे को ना तकरीबन 22.25 गुना किया है, 12.25 गुना, सॉरी 12.25 गुना, 1228% की रिटर्न्स आई है 22 सालों में। पहले ज्यादा थी, अब मार्केट गिर गई है तो वो घटी हुई दिख रही है आपको। PEL का शेयर है 1645 रुपये और 30 पैसे में जाके बंद हुआ है। 11.5% की गिरावट आज ये शेयर में रही है, इसलिए मैंने लाल टी शर्ट पहन ली है कि शेयर भी लाल था। आज 216 रुपये आज शेयर में से एक ही दिन में झटके से उड़ गए 216 रुपये। अभी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू, जो करंट प्राइस है शेयर का, वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। मतलब क्या हुआ कि हमें ये शेयर अभी अपनी ओरिजिनल प्राइस जो इसका होना चाहिए उससे सस्ते में मिल रहा है। तो वॉरेन बफे जी का रूल यहाँ पे लग जाता है, बट उसमें लगता है जो कंपनी अच्छी हो, और दो ये कंपनी अच्छी ही है। एफडी रेट की बात करें तो स्टॉक ने बीते दिनों में एफडी से बेटर रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। अब डिविडेंड रिटर्न की बात करें, स्टॉक ने अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न्स नहीं देता स्टॉक। अभी बात करें एंट्री पॉइंट की, तो ये शेयर में एंटर करने का सही टाइम है, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। किस पे, टेक्निकल चार्ट्स पे। तो बट हम अभी देखेंगे क्या वाकई अभी ये शेयर प्राइस है कि और शेयर गिर सकता है।
नो रेड फ्लैग, स्टॉक एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में नहीं है और प्रोमोटर की ज्यादा होल्डिंग प्लेज नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक डिविडेंड रिटर्न को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट थम्स अप। अभी कैश डिविडेंड की बात करें, स्टॉक ने 6 जुलाई 2021 को फाइनल डिविडेंड दिया था ₹33 प्रति शेयर का, बहुत बढ़िया। अभी इनकम स्टेटमेंट की बात करें, सबसे पहला पॉइंट है हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। पिछले 5 साल में रेवेन्यू ग्रोथ जो हुई है कंपनी की 14.69% हुई है, जबकि इंडस्ट्री की 12.87% रही थी, तो ये एक थम्स अप वाला पॉइंट है। इंक्रीज मार्केट शेयर, पिछले 5 साल में मार्केट शेयर इस कंपनी का 11.11% से बढ़कर 11.93% हो गया है, अगेन पॉजिटिव पॉइंट। अब आगे बात करें, अगर इसके बाद होल्डिंग ट्रेंड की बात करें, तो पिछले 6 महीनों में प्रोमोटर की होल्डिंग इस शेयर में कांस्टेंट रही है, तो ये एक स्टेबल पॉइंट है। लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग, जो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग थी या वो है ही नहीं, अगर है तो बहुत कम है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें, पिछले 3 महीनों में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इस कंपनी में कांस्टेंट रही है, ये एक स्टेबल पॉइंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो प्रमोटर के पास 43.49% की होल्डिंग है। यार ये पॉइंट मुझे ना बहुत अच्छा नहीं लगा कि प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 51% तो होनी चाहिए, अब नहीं है तो मुझे इतना अच्छा पॉइंट लगा नहीं, कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगा। म्यूचुअल फंड के पास 2.18% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 6.26% की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 35.03% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने बहुत 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 भरोसा कर रखा है इस कंपनी पे। रिटेलर के अंदर हम लोगों के पास, गरीबों के पास 13% की होल्डिंग है, तो भाई साहब गरीब ना रहे हम, अब हम भी अमीर हो गए हैं। पीयर एंड कंपैरिजन की बात करें, इसकी पीयर कंपनी जो है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग। पी रेशो की बात करें, तो पी रेशो पे सबसे महंगा हमें शेयर जो दिख रहा है वो पिरामल एंटरप्राइजेस का है, तो फंडामेंटल्स में तो यार पी बहुत ज्यादा कमांड कर रहे हैं शेयर। प्राइस टू बुक रेशो की बात करें, तो प्राइस टू बुक रेशो में सबसे महंगा जो शेयर हमें लग रहा है वो आदित्य बिरला कैपिटल लग रहा है, सेकंड नंबर पे पिरामल एंटरप्राइजेस, थर्ड नंबर पे चोलामंडलम एंड नंबर फोर्थ पे एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग। सबसे सस्ता एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग है प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें, तो बाकी पीयर कंपनी से डिविडेंड ये कंपनी ज्यादा देती है, कितना देती है, 1.68% की डिविडेंड यील्ड है इसकी। सेकंड नंबर पे है एलएनटी फाइनेंस, नंबर थर्ड पे चोलामंडलम, और आदित्य बिरला ने दिए नहीं डिविडेंड। चलो जी, अभी बात करेंगे हम किस चीज की, मार्केट कैपिटलाइजेशन की, और देखते हैं कौन सी कंपनी किस नंबर पे आती है। नंबर वन पे है पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, नंबर दो पे है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, नंबर तीन पे है एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, नंबर चार पे चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग, नंबर पांच पे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विसेज, नंबर छह पे कैम्स जिसे हम कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज बोलते हैं, नंबर सात पे IDFC लिमिटेड, और नंबर आठ पे एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो अब जो फॉरकास्ट एंड रेटिंग की बात करें, तो 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि यार इसके अंदर अब बाइंग का मोमेंटम आ गया है, आप बाइंग कर सकते हैं स्टॉक में। बट मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स पे लेके जा रहा हूँ और देखते हैं कि वाकई ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। यार यहाँ पे ना अगर मैं टेक्निकल चार्ट पे लेके आऊं तो कुछ पिक्चर कुछ अलग सी आ रही है। यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे ये एक ब्रेक डाउन हुआ है, और वो भी एक पैटर्न का नहीं, दो पैटर्न का, दो अलग अलग फ्रेम्स पे। ये देखिए, अब ये पहला फ्रेम आ गया, ये जो पैटर्न बना है वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ है, और ब्रेक डाउन किस लेवल पे हुआ है भाई साहब, ब्रेक डाउन हुआ है ₹1940 के लेवल से, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की, तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा क्या मान के चलो 2000, मान लो चलो 2000 का स्टॉप लॉस हो गया, और जो टारगेट मुझे दिख रहा है ना कि जो आ सकता है टारगेट, अभी भी यार मेरे को लग रहा है कि ₹1470 का टारगेट शेयर दिखा सकता है, और करंट भाव आपको पता ही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए एक बार कि कितने परसेंट की डाउनसाइड अभी इंटैक्ट है। और ये तो हो गया चार्ट वन। अभी ये देखिए एक और चार्ट का ब्रेकडाउन है यार इसमें। अब दूसरा चार्ट कौन सा है, 1780 लेवल पे इसका ब्रेकडाउन हुआ है दूसरा,
1780 लेवल के ब्रेकडाउन हुआ है, और इसका स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, 1850 का लगा लीजिए आप स्टॉप लॉस। अब जब तक ये 1780 से नीचे रहेगा शेयर, ठीक है, तो इसका हम जो टारगेट 2 मान के चलते हैं ना, वो 1250 रुपए का मान के चलते हैं। हो सकता है ये आए, हो सकता है आए ही ना, बट मेरे को ज्यादा लगता है कि टारगेट 1 जो कि 1470 रुपए का, ये तो आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। तो आप अगर इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो बस एक चीज का ध्यान रखिए, या तो ये 1940 से ऊपर निकल जाए फिर तो आप बाय कर लीजिए, अदरवाइज यार अगर ये गिर रहा है तो और नीचे गिर सकता है, तो आप वही लेवल पे बाय कीजिएगा, आपको मुनाफा होगा। ठीक है, अभी अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें, 50 डे 100 डे 150 डे 200 डे सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है और ये वीकनेस दर्शा रहा है। ठीक है जी, तो मेरी आपको कोई भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने सलाहकार, अपने जो आपका प्लानर है, जो प्लानिंग करता है आपके फाइनेंशियल, उससे सलाह कीजिए। अगर वो मेरे पॉइंट के साथ रिलेट कर पा रहा है तो वो आपको बता देगा। ठीक है, और एक और डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे पोर्टफोलियो में ये पीईएल का शेयर नहीं है, किसी टाइम पे मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था, बट इसमें मोटी मलाई खा के मैंने शेयर दिया था बेच। वीडियो अच्छी लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके और अपने पैसे को आप प्रोटेक्ट कर सके डूबने से, क्योंकि मैं तो यार यहाँ पे कोई पैसे ले नहीं रहा आपसे, बिल्कुल फ्री, जिसे कहते हैं ना फ्री सर्विसेज दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, ताकि ऊपर वाला मेरे से खुश हो जाए कि यार किसी का पैसा तो बचाया तूने, किसी का पैसा खाया नहीं पर बचाया जरूर है, कोशिश की है बचाने की। ठीक है, और अगर आप कुछ रिटर्न में देना चाहते हैं तो बस इतनी कृपा कीजिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक पर्सन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।